हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो हमारा वीडियो जो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए, और किस तरीके के वीडियो जो आपको चाहिए वो भी बताइए, ताकि हम ट्राई कर सकें कि आपका जो डिमांड है हमसे उसे पूरा कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन खोजोगे ना, तो जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से किसी ने नहीं बताया। मेरा सोल्यूशन देखने के बाद आप इस क्वेश्चन के बारे में सर्च करके देखना, क्योंकि बाकी लोग जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताए ना, वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, बट मैं आपके लिए उसी क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, और ये सिंपल ही नहीं लॉजिकल भी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या। रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, रूट एक्स प्लस वाई जो है वो सेवन के बराबर है, एंड एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू इलेवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, okay? If x comma y belongs to real number। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, सोचिए इसके बारे में, और अगर नहीं होता है तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि रूट एक्स प्लस वाई कितना है, सेवन है, और रूट एक्स जो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। करेक्ट, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है वो लेस देन सेवन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रूट वाई जो है ये भी हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। करेक्ट, तो अगर रूट वाई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब एक्स जो होगा, क्योंकि x प्लस रूट वाई एलेवन के बराबर है, तो x जो होगा हमेशा 11 से छोटा होगा। अगर y लेस देन 7 है तो रूट वाई जो होगा वो भी लेस देन रूट 7 होगा। करेक्ट, अब यहां से एक और चीज हमें पता चलता है कि x और y का वैल्यू जो होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, और रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है। करेक्ट, या फिर अगर ये भी इरेशनल हो जाता है तो ये दोनों इरेशनल नंबर का सम कभी भी 11 नहीं हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा या तो इरेशनल होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो y 7 से छोटा है और y एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो y का क्या क्या वैल्यूज हमको मिल सकता है? लेस देन 7 कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 1 और 4। तो या तो y 1 होगा या फिर y 4 होगा। तो चलिए देखते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1, y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 अगर हम लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 1, 6 मिल गया। अब तो अगर रूट एक्स 6 है तो x क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बट x तो हमारा 11 से छोटा है, राइट? तो x 36 पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए ये केस 1 तो कैंसिल हो गया, चलिए केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में y कितना है? y इक्वल्स टू 4 है। तो अगर y इक्वल्स टू 4 हम लेते हैं तो रूट एक्स क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ मिल जाएगा हमें रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से रूट एक्स क्या मिलेगा हमें? 3। तो क्या मिला? रूट एक्स इक्वल्स टू 3। अब रूट एक्स 3 है तो x क्या होगा? x इक्वल टू 9। अब देखिए x इक्वल टू 9 है तो x लेस देन 11 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमें आंसर भी चेक करना है। तो चलिए x इक्वल टू 9 को हम यहाँ पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर x इक्वल टू हम 9 पुट करते हैं तो हमें रूट वाई कितना मिलेगा? 9 इस तरफ जाएगा तो 11 माइनस 9 2 मिलेगा, और रूट वाई अगर 2 है तो वाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? वाई इक्वल टू 4।
आ गया ना आंसर, तो y इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 9 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। आसान है ना? और भी तरीका है इसका सोल्व करने का, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, एक और भी तरीका है जिसमें आप इक्वेशन वन को कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7, और इक्वेशन टू को रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड करके उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली, तो इसलिए मैं ये सॉल्यूशन आपको नहीं बताया, और जो इजी सॉल्यूशन था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जय हिंद।